पश्चाताप का अर्थ है जो आपने किया उसके लिए पछतावा। यदि आप चोरी करते हैं तो आप चोरी के लिए पछता लेते, आप हिंसा करते हैं तो आप हिंसा के लिए पछता लेते, आपको दोष अपने दुष्कृत्य में अवश्य दिखता है किंतु अपने आप में नहीं। क्योंकि दोष आप अपने से बाहर ढूंढते हैं, उसके कारण अपने से पृथक करके देखना चाहते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपने अहम को, अपने अहंकार को सुरक्षित कैसे रख पाएंगे? और इसके लिए सबसे सरल माध्यम बन जाता है पश्चाताप। तपस्या तो सभी करते हैं किंतु केवल अपने स्वार्थ। कोई भी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए तपस्या नहीं करता। कोई भी तपस्या इसलिए नहीं करता कि उसकी भक्ति उसके आराध्य तक पहुंच जाए। मृत्यु चाहते हो, मुक्ति चाहते, किंतु मृत्यु से मुक्ति प्राप्त नहीं, ना ही मृत्यु जीवन का अंत होती। सृष्टि ही जीवन, प्रकाश ही जीवन। और यदि जब हम नेत्र खोले और हमें प्रकाश की अनुभूति ना हो तो इसका यह अर्थ नहीं कि प्रकाश कहीं नहीं, प्रकाश है। आवश्यकता है तो अपने नेत्र खोल कर अंधकार के परे देते। इस संसार में उन्नति तभी संभव है जब इस संसार में समानता हो। बराबरी की कोई सर्वशक्तिशाली ही नहीं रहेगा तो कोई निर्बल नहीं होगा। यदि कोई बड़ा नहीं होगा तो कोई छोटा ही नहीं रह पाएगा। शक्ति के इस संतुलन को संतुलित रखना अनिवार्य है क्योंकि ईर्ष्यापूर्ण प्रवृत्ति व्यक्तिगत होती है। वो केवल अपने स्वार्थ, अपने उद्धार तक ही सीमित रहती है। ईर्ष्या ही वो विष है जो व्यक्ति के हृदय में ना हारने की महत्वाकांक्षा को जन्म देती, जीतने की इस विवशता से ग्रसित मनुष्य धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, उचित अनुचित का ज्ञान भूल जाता है। संवेदना करुणा भूल जाता है। उसे स्मरण रहता है तो केवल जीतना, भले ही वो छल कपट के माध्यम से ही क्यों ना हो। एक असुर था, एक ग्रिफ्ट,